आज का टॉपिक है अबाउट कलोट्रोपिस या फिर अर्क, हमारे आयुर्वेदिक क्लासिक्स के अर्क के बारे में बता रही हूँ। तो फिर कलोट्रोपिस इनका पॉइजनिंग इफेक्ट के बारे में ही अगत के ये टॉपिक में ज़्यादातर डिस्कस होगा। अर्क जो है हमारे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम कहीं कहीं रोड साइड पे देखे या कहीं कहीं एरिया पे देखो तो अर्क ही सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता ही हमें दिखता है। यानी कि ये एक श्रब टाइप है, वो वाइडली ग्रो होते हैं हमारे कंट्री में और मोस्टली रोड साइड एरिया या फिर डंपर्ड एरिया, वहीं में भी ज़्यादातर अर्क के प्लांट्स और लीव्स खिले हुए हमें दिखते हैं। और फिर मोस्टली अर्क जो है वो हमारे क्लासिक से बहुत पुराने साल से ही अर्क का ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मेनली जो नी पेन या फिर जो पेनफुल कंडीशन है उसमें ज़्यादातर इनका लीव्स का स्वेदन कर लेते हैं और फिर हम जो पत्रपिंड स्वेदा करते हैं उनमें भी एक मेन इंग्रेडिएंट है अर्क के पत्रे। इनका वैरायटीज दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। एक है कलोट्रोपिस जायजेंशिया और दूसरा है कलोट्रोपिस प्रोसेरा। कलोट्रोपिस जायजेंशिया मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ में है, वो एक पर्पल फ्लावर्स होता है। कलोट्रोपिस प्रोसेरा का वाइट फ्लावर्स होते हैं। लीव्स एंड स्टम जो होते हैं, अगर इंसाइज हुआ या फिर क्रश हुआ, हमने कट कर दिया तो एक वाइटिश मिल्की जूस वहाँ आते हैं। वो थोड़ा तर अगर हाथ में वगैरह हो गया तो थोड़ा इरिटेटिंग इचिंग वगैरह हो जाते हैं इनका मिल्की जूस। और इनका एक्टिव प्रिंसिपल मेनली कैलोट्रोपिक कैल्टोक्सिन या फिर उस्टारिन होते हैं इनका मेनली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इनका यूजेस ये है कि जूस वगैरह रेयरली रूरल प्रैक्टिस में वगैरह स्किन कंडीशंस में वगैरह ये यूज़ कर लेते हैं। लीव्स पॉल्टिस करके पेन रिलीफ में, नी पेन वगैरह में यूज़ करते हैं, नहीं तो स्वेदन कर यानी कि लीव्स को जस्ट बॉयल करके वो वाटर से जस्ट स्टीम भी कर लेते हैं। रूट एक्सट्रैक्ट जो है इनका एमिटिक में, यानी कि हमें वमनीय द्रव्य में आ जाते हैं। विलेज क्वैक्स वगैरह स्विफिलिस के लिए, गोनोरा के लिए, इनकॉम्पिटेंस के लिए, आस्मा के ज़्यादातर यूज़ होते हैं, पर इनका असली यूज़ इसमें नहीं है, क्वैक्स ही यूज़ कर लेते हैं। इनका असली यूज़ स्किन कंडीशंस में करते हैं, बट मोस्ट रिलीफ पेन रिलीफ में इनका होता है। इनका साइंस एंड सिम्टम्स में, अगर स्किन का कांटेक्ट हुआ तो उनके इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, वेसिकेशन हो जाते हैं, और फिर आई में कांटेक्ट हुआ तो उनका कंजक्टिवाइटिस भी हो जाते हैं। अगर हमने एक्सीडेंटली इंजेस्ट किया तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, कन्वल्शन और बाद में डेथ भी हो जाते हैं। प्यूपल्स वगैरह डायलेटेड ही दिखते हैं। फेटल डोज ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, इनका अनसर्टन है। कभी कभी माइनर डिग्री में ही पॉइजनिंग हो जाता है या फिर मोस्ट हायर डोज में ही इनका पॉइजनिंग हो जाता है, इसलिए फेटल डोज अनसर्टन। फेटल पीरियड देख लिया तो 12 आवर्स के अंदर इनका पॉजिटिव पॉइजनिंग सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर मैनेजमेंट मॉडर्न में दिखता तो हमारा सारी पॉइजनिंग के लिए फर्स्ट एंड ओनली प्राइम ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक लेवेज है। गैस्ट्रिक लेवेज विद प्लेन वार्म वाटर विल ओनली रिलीव द कंडीशन। और फिर बाद में डिबल्स एंड स्टिमुलेंट वगैरह जो भी इंजेस्ट किया तो उससे भी इनका इलाज हो जाते हैं। और फिर सिम्टोमेटिकली बात की करना है, आयुर्वेद में इनका एक रेफरेंस है कि अगर स्नूही अर्क की वजह से कुछ पॉइजनस इफेक्ट हो गया तो इनको लीव्स ऑफ टैमरिन प्लांट ऐसे वाटर में चर्न करना है और बाद में एप्लीकेशन रब्ड ओवर द बॉडी और फिर इनका मेडिकेटेड वाटर वगैरह पी लिया तो, यानी कि टैमरिन प्लांट का वाटर अगर पी लिया तो भी इनका पॉइजनस इफेक्ट कम हो जाते हैं। नहीं तो गैरिक जो है, गैरिक का चूर्ण या फिर गैरिक की वाटर भी पी सकते हैं स्नूही और अर्क का पॉइजनिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में ज़्यादातर प्यूपल्स डायलेटेड होते हैं, नोस्ट्रिल में फ्रोथ आ जाते हैं, स्टोमेटाइड होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट होते हैं, स्टोमक में एक्यूट अल्सर या फिर परफोरेशन भी दिख जाते हैं, ब्रेन एंड मेनिंजेस जो होते हैं कंजस्टेड ही दिख जाते हैं, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में इलिसिट एबॉर्शन हो जाते हैं इनके लोकल एप्लीकेशन से, मैलिग्रस वगैरह आर्टिफिशियल ब्रूइज या फिर कंजक्टिवाइटिस करने के लिए ये यूज़ करते हैं। मैलिग्रम मैंने पहले एक क्लास में दिया था, यानी कि फॉल्स कुछ सिम्टम्स दिखाने के लिए उसको मैलिग्रिन बोलते हैं। इनका इंजेक्शन जो होते हैं थेरापेटिक मिसयूज से उसकी वजह से ओवरडोज हो जाते हैं, मेनली एक कैटल पॉइजन की वजह से भी ये यूज़ कर लेते हैं।